सो हे गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल फैजल आलम ऑफिशियल। सो गाइज, अगर आप ओप्पो रेनो 2 डिवाइस यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे कलर ओएस 7 प्लस एंड्रॉइड 10 का अपडेट रिलीज हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कुछ इसके फीचर्स एंड आपको बताऊँगा आप इसे कैसे अपडेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये अपडेट है वो है बीटा वर्जन में अपडेट है, जो कि रिलीज हुआ है थोड़े दिन पहले। तो आज की वीडियो देखो बिल्कुल एंड तक, मैं आपको बता दूंगा आप कैसे इस अपडेट को ले सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर का बटन होगा और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर देना। सो बिना टाइम को गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आप इस अपडेट को कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, बहुत ही छोटा सा स्टेप है, अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो आई एम श्योर गाइज आप सभी को मिल जाने वाला है कलर ओएस 7, जो कि बीटा वर्जन में होने वाला है। तो गाइज, आप सभी को करना है क्या है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। एंड जाने के बाद गाइज आपको नीचे की साइड जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन के अंदर। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे गाइज आपको कॉर्नर में एक सेटिंग मिलेगी या फिर 3 डॉट, तो गाइज उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही गाइज वहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रायल वर्जन का एक ऑप्शन। तो गाइज जैसे आप ट्रायल वर्जन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लोडिंग होने लग जाएगी। उसके बाद गाइज आपको मिल जाएगा वहाँ पे कलर ओएस 7 का एक ऑप्शन। तो गाइज आपको इजीली उसके ऊपर क्लिक करना है एंड उस अपडेट को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज जो वो अपडेट का फाइल साइज होगा बहुत ही बड़ा होने वाला है, एटलीस्ट 3 GB से मैक्सिमम होने वाला है, क्योंकि गाइज इसके अंदर आपको मिलने वाला है कलर ओएस 7 प्लस एंड्रॉइड 10 का अपडेट, जो कि बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाली है। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टेप्स है, इन ईजी स्टेप्स को फॉलो करो और कलर ओएस 7 को अपने फोन में अप्लाई कर लो, जो कि होने वाले ओप्पो रेनो 2। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना आप दूसरे किसी फोन के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ आपको इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो मैं फीचर्स तो नहीं बताऊँगा, आपको एक लिस्ट दे दूंगा, उस लिस्ट को आप पढ़ लेना कौन कौन से जो स्पेशल फीचर्स है इसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर आपकी लिस्ट है, इसे पढ़ लेना ईजिली आराम से।